हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एफ एडवेंचर। तो गाइस, आज है वी स्ट्रॉम की कम्युनिटी राइड फर्स्ट ऑफ। बस हो ऐसा गया है कि तैयार खड़े हैं निकलने के लिए, देख सकते हैं बिल्कुल ऊपर से लेकर नीचे तक तैयार हैं, बट बारिश हो गई। प्रोग्राम था 5:30 पे निकलने का, बट मैं अगर आपको टाइम दिखाऊँ तो 6:45 ही हो गए। 7:30 लास्ट टाइम है पहुँचने का, बारिश हो चाहे जो मर्जी हो, और यहाँ से जाना भी है ओखला, तो दैट्स वाइज बारिश अगर नहीं रुकेगी तो शायद कैंसिल ही करना पड़ जाए, क्या पता। रेनकोट वगैरह पहन के भी फ़ायदा है, क्या गीला तो थोड़ा बहुत हो ही जाते हैं, फिर भी दैट्स वाई। पर देखते हैं, अगर जाते हैं तो आप लोगों को जरूर दिखाएंगे, वरना तो गाइस इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पर समाप्त शुरू होने से पहले, और अगर गए तो यहीं से होता है इस ब्लॉग का आरंभ। तो गाइस फाइनली बारिश होने के बावजूद भी बहुत तेज़ बारिश हो रही है, निकल चुके हैं बस, निकलते निकलते 7 हो चुके हैं। अभी ये नहीं पता कि वहाँ एंट्री होगी, कितनी देर में पहुँचेंगे। बारिश थोड़ी कम हो तो जिससे हमें थोड़ा सोल्यूशन मिले, जैसा वरना बहुत दिक्कत होने वाली है। बाकी मोटर ब्लॉक अभी तो नहीं हो पाएगा, बारिश बहुत तेज़ है। बाकी चलते ज़रा जल्दी से पहुँचते अपनी मंजिल की ओर। हेलो गाइस, हम लोग पहुंच चुके हैं RDB ओखला में, ओखला में पड़ता है जहाँ से हमारी राइड शुरू होने वाली थी। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया कि बारिश हो चुकी है, बारिश सुबह से मैं भी 2 बजे से आई थिंक हो रही होगी। एक बाइक ये खड़ी है, आप देख सकते हैं मौसम का हाल कुछ ऐसा है, और अपनी बाइक ये खड़ी है, और भी काफ़ी बाइकें यहाँ पर आ चुकी हैं। मे बी अभी 15-20 राइडर्स आए होंगे, थोड़े लोगों का अभी और भी वेट हो रहा है। मे बी टाइम हो गया होगा 8:30 अराउंड। तो बाकी देखते हैं, बारिश थोड़ा रुके तो थोड़ा मज़ा आए, बाकी बारिश होती भी रही तो कोई इशू नहीं है, बस ये है कि थोड़ा मर्दा किरकिरा होगा। बट क्योंकि बारिश को देख के काफ़ी लोग बाग आते नहीं हैं। बाकी अब थोड़ा यहाँ पे लोगों से बातचीत करते हैं और फिर मिलते हैं। तो फाइनली टी शर्ट सिल चुकी हैं, अब जरा चेंज करके आते हैं और फिर मिलते हैं आपको। तो फाइनली ऑल सेट, टी शर्ट मिल चुकी है, बाइक्स रेडी हैं, बस अब यहाँ से निकलने वाले हैं। बारिश अभी भी मेरी थोड़ी थोड़ी हो रही है। सर कहाँ जा रहे हैं हम लोग? यहाँ हम लोग जा रहे हैं थ्रॉटल शॉटल जा रहे हैं। ये पड़ता है हरियाणा में, ये आपका पड़ेगा फरीदाबाद गुड़गांव रोड पे। ओके, और हम अभी यहाँ पे ओखला में, अभी हम ओखला में, यहाँ से मे भी होगा 30 मे भी होगा। बाकी चलते हैं, ऑल सेट, निकलने की तैयारी हो चुकी है, सब लोग निकल रहे हैं बाइक लेके, हम भी निकलते हैं, रेडी हैं बिल्कुल। बाइक वहाँ खड़ी है और अब यहाँ से निकलने की तैयारी होती है, निकलते हैं यहाँ से। डेस्टिनेशन जो यहाँ से बताई जा रही है आई थिंक 30 किलोमीटर अराउंड बताई जा रही है। निकलते हैं, थोड़ी बारिश हो रही है, बट कोई नहीं, अब इसी का मज़ा लेते हैं। हो रही है लाइन अप होने के लिए, सब लोग अपनी लाइन से गाड़ी लगा रहे हैं और लाइन अप सब कर रहे हैं। तो ऑल साइड बाइकें लग चुकी हैं, टोटल बाइकें होंगी 2, 4, 6, 8, 9 बाइकर्स हैं बाकी। तो गाइस इट्स टाइम टू लीव, फाइनली निकल रहे हैं हम लोग। तो निकलने का टाइम हो चुका है, सुबह के ऑलमोस्ट हो चुके हैं 9:45। बारिश की वजह से काफ़ी लेट हुआ, तो दैट्स वाई से काल को का एक कार है, उसको फॉलो करते हुए चलना है सब लोगों को। तो बाकी यहाँ से बताया जा रहा है 30 किलोमीटर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बता दिया है। तो चल रहे हैं, थोड़ी बारिश रुक जाए तो थोड़ा सा राइड का मज़ा है, बारिश वैसे भी पहले ही काफ़ी हो चुकी है, अगर थोड़ी रुक जाए तो थोड़ा और काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। तो बोलता हूँ, जब इतनी सारी बाइक एक साथ चलती है ना, तो एक अलग ही फील और एक अलग ही मज़ा आता है, जिस चीज़ में वो मज़ा किसी भी चीज़ में नहीं है। इतने सारे राइडर्स मिले हैं, बातचीत हुई, आगे भी होंगी, अभी हम लोग जहाँ जा रहे हैं वहाँ का प्लान है, वहाँ पर जाके भी काफ़ी और बातचीतें होंगी, तो दैट्स वाई। तो मज़ा आने वाला है इस वी स्ट्रॉम राइड पर, आज से पहले मैं कभी ऐसे ग्रुप राइड पे नहीं आया हूँ, तो दैट्स वाई, तो काफ़ी मज़ा आएगा।
बताया जा रहा था कि जो रोड आने वाली थोड़ी zigzag करके है, तो दैट्स वाई कि थोड़ा फॉलो करके चलें एक दूसरे को, ज़्यादा रश ना करें, ज़्यादा भगाने की कोशिश ना करें, दैट्स वाई, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, तो इसीलिए। यह है द थ्रोटल श्रॉटल मोटो कैफे। कैफे आने का हम लोगों का प्लान था, कैफे हम लोग पहुंच चुके हैं। बाइक करी जाएंगी अब पार्क। पहले भी कुछ बाइकर्स आए हुए हैं यहाँ पर, हमें बहुत पुरानी पुरानी और अमेजिंग बाइक यहाँ पर पहले से दिख रही हैं, तो दैट्स वाई। जैसे आप ये देख सकते हैं BMW 310 एक्सपल्स, और भी काफ़ी स्कूटर्स वगैरह में काफ़ी वैरायटी दिख रही है। हर तरीके का अलग मज़ा है, थोड़ा पैच खराब भी है, अच्छा भी है, थोड़ा मतलब थोड़ा zigzag भी है थोड़ा। हाँ, तो मतलब हर तरीके का बंदे को यह है कि एक छोटी राइड में, मतलब 30-40 किलोमीटर या दिल्ली से 50 किलोमीटर में एक अलग एंजॉयमेंट हो जाएगा। यार पहले छुट्टा मांग रहा है, सिगरेट वहां भी नहीं देगी। अगर आप 110 से जैसे ही ऊपर कूदोगे, फिर वो एवरेज गिर के ऑलमोस्ट, मैं बताऊं सही में 25 समथिंग भी आ सकती है, क्योंकि वो एकदम गिर जाती है। वो कभी कभार के लिए इसलिए होता है कि जब है ना बहुत कोई फास्ट व्हीकल पीछे से आ रहा हो ना, आपको निकालना ही हो, फिर तो करना पड़ता। नहीं, कभी कभार ऐसा भी होता है कि कंसेंट बंदा हाईवे में बहुत है। अगर आप 100 की स्पीड, मैं जनरली बोलता हूँ 100 भी अगर मेंटेन करके चलते हो ना, तो काफी लगा ही देते हैं। छोड़ो यार, बाद में भी लगानी है ना। हाँ, वही कर रहा हूँ, मैंने कहा लगाई दे, बाद में भी लगानी है। एंटर हो चुके हैं हम लोग कैफे में। अब ये नहीं पता कि हमारे टीम के बंदे कहाँ चले गए, हम ही नहीं दिख रहे हैं, मतलब हम ही दिख रहे हैं, वो शायद अंदर है। चलते हैं, ये है कैफे, बाइक के खड़े हैं यहाँ पे, बाद में आपको दिखाते हैं, अभी लास्ट में आप लोगों को अंदर। ज़रा थोड़ा अंदर हम लोग हो चुके हैं सेट, थोड़ा लाइटनिंग इशू है, कोई नहीं। यहाँ पर लोग बैठ चुके हैं, सेट हो चुके हैं, कुछ लोग इधर बैठे हैं, बाकी लोग इधर बैठे हुए हैं। इधर एक डॉग है, एक क्यूट पप्पी है, एक इसके अलावा और है। बाकी यहाँ पे बाइक कलेक्शन काफ़ी ज़्यादा है, मतलब अच्छे अच्छे तरीके के आपको अलग अलग वैरायटी की दिखेंगी। अभी यहाँ से बाहर निकलेंगे तो आप लोगों को दिखाते हैं। बाकी पहुँच चुके हैं, क्या बैट्स काफ़ी सारे दिख जाएंगे, यहीं पर डॉग भी आपको दिख जाएगा, और एक ये है छोटा सा डॉग, बट ये नाम का ही छोटा है बस, नहीं बहुत तेज है। वही मैं कह रहा हूँ कि ये सिर्फ नाम के लिए ही छोटा है, अगर इसे बाहर निकाल दे तो किसी को नहीं छोड़ेगा। अभी तक इसके बारे में पता नहीं चला ये कौन सी ब्रीड का है, तो इन्हें पता होगा, इनसे पूछना पड़ेगा मुझे। और बाकी मैं आपको दिखाता हूँ, एक एक ये लेटा हुआ, बाकी काफ़ी है बाहर का, काफ़ी अच्छा एरिया बनाया हुआ है, दैट्स वाई थोड़ा लाइट का इशू है, तो दैट्स वाई। हम लोग आ चुके हैं बाहर के एरिया में, थोड़ा म्यूज़िक बज रहा है तो थोड़ा अवॉइड कीजिएगा। बाकी बाइक्स आपको यहाँ पर काफ़ी सारी बाहर दिख जाएंगी, ये है निंजा। बाइक है तो यहाँ पर हर वैरायटी हर किसी तरीके की आपको दिख जाएगी, एक्सपल्स, होंडा सीबी 200,
कभी हमने प्लान किया था कि शायद हम लो सेगमेंट में होंडा सीबी 200 भी परचेज करें, बट बाद में हमने प्लान ड्रॉप आउट किया था, तो दैट्स वाई। बाकी ये भी एक KTM भी आपको दिख जाएगी, स्कूटर में भी आपको दिख जाएगी, मिक्सर 1000। और सबसे बड़ी बात है ये जितनी भी बाइक हैं सारी रनिंग है, कोई ख़राब नहीं है, सारी बाइकें चलती हैं। और एक ये है, आप देख सकते हैं यहाँ पे बाइक अलग अलग तरीके की खड़ी हैं, अभी आपको दिखाते हैं। ये है BMW 310 और ये बाइक तो मेरे को भी नहीं पता चला गाइस, प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, नाम कहीं पे भी नहीं है इसका। पर बाइक क्या डेंजरस लग रही है, वो बेंटली TRK यामाहा एवेंजर BMW, आपको क्या क्या दिखेगा, एक्सपल्स, सुजुकी 1000R, मतलब हर तरीके की वैरायटी यहाँ पे आपको दिख जा रही है। तो अपना ब्रेकफास्ट आ चुका है, पराठे, पोहा, सॉरी ब्रेड, और ये छाछ, जरा इसे फिनिश करते हैं और मिलते हैं आप लोगों। सब कुछ ओवर हो चुका है, शूटिंग हो चुका है, यहाँ फ़ोटो शूट हो चुका है सबका ओवरऑल। अब यहाँ पे सबकी बाइकें वहाँ पर लगने के लिए जा रही हैं, और कुछ नहीं, अपनी बाइक उधर खड़ी है, पहले कीज़ लेके आते हैं और फिर चलते हैं ज़रा जल्दी से। बारिश थोड़ी थोड़ी फिर से स्टार्ट हो गई है, बीच में रुक गई थी, दैट्स वाई। अब ज़रा हेलमेट वगैरह ले आते हैं अंदर से। बाकी ये कैफेटेरिया का एरिया है जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पर बाइकें लग चुकी हैं, लाइनअप हो चुकी हैं, सारी बाइकें लाइनअप से तैयार हो चुकी हैं। स्ट्रॉम की राइड होती है यहीं पर समाप्त। हम आए थे द थ्रोटल और शॉटल जो कि पड़ता है हरियाणा में, काफ़ी फेमस है यहाँ पे, आपको काफ़ी सारी बाइकें दिख जाएंगी। सारे ग्रुप्स अभी यहीं हैं, जस्ट अब यहाँ से निकल रहे हैं। इसी के साथ इस ब्लॉग को करते हैं गाइज यहीं पर समाप्त। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और गाइज मिलते हैं न्यू राइड पर जल्दी से जल्दी।